ये हो गई जी गाइस फिश फ्राई। तो गाइस आप देख सकते हैं हम जो है मच्छी के कांटे निकाल रहे हैं। अब इसे आप कांटे को निकालना ना जरूर है, ठीक है। आप सब कांटे को हम एक एक करके सब निकाल लेंगे। गाइस ये मच्छी जो है तेलापिया है। हेलो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं मच्छी करी। अभी इसकी सफाई होनी है। तो गाइस हमारा जो दोस्त है का कर रहे हैं मच्छी सफाई और इसकी जो स्किन है स्किन साफ कर रहे हैं। तो आज हम इस आपको दिखाते हैं मच्छी करी हम कैसे बनाते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना जरूर। अब हमने इसकी ये बाजू काट दी है। अब हम इसके स्किन को साफ करते हैं। हम देख सकते हैं जो स्किन है स्किन हम इस तरह से साफ करते हैं। इसकी बिल्कुल अच्छी तरह से साफ कर लेना। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे मच्छी हमने बिल्कुल हमने प्रेस करके धो लिया है। अब इस पे हम लगाएंगे हल्दी, गरम मसाला, मिर्ची इसमें ऐड करेंगे। चलो बोल दो। ये होगा गाइस हल्दी, लगभग 2 से 3 चम्मच आपको हल्दी ऐड करने का है। गाइस इसमें ही हैगा धनिया पाउडर और गरम मसाला पिसा हुआ मिक्स, इसकी पूछना कर लगभग 2 चम्मच। ये हो गया गाइस मिर्च 2 चम्मच। ये हो गया जी गाइस हमारा 2 चम्मच लगभग अंदाजे से नमक। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कुछ देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे इसे फिश को। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप हल्दी नमक बिल्कुल अच्छी तरह से लगा लेना और 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे रख देना। गाइस ये लग गया हमारा देसी जुगाड़ देसी चूल्हा। अब हम इसमें डालते हैं उपले। तो गाइस लग गया जी हमारा चूल्हा, जला दिया हमने लकड़ी लुकड़ी रख के। तो अब आगे का प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं। ये हो गया जी गाइस भिगोना हमारा। गाइस भिगोना हो चुका है हमारा हल्का सा गरम। इसमें हम सरसों का तेल यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कोरोजिन की शीशी है उसमें हमने तेल भर रखा है सरसों का तेल। तो गया जी सरसों का तेल लगभग हमारा 150 से 200 ग्राम सरसों का तेल। तो गाइस तेल हो चुका है गरम। अब गए जी फुल फिश फ्राई। तो गए जी फिश आप देख सकते हैं तो हम फिश को कर रहे हैं फ्राई। और तो गाइस फिलहाल हमारे पास रमचा नहीं है चम्मच नहीं है तो हम लकड़ी से ही देसी जुगाड़ से इसे हम पलट रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हम डंडी से ही पलट रहे हैं लकड़ी से देसी जुगाड़ देसी नुस्खा। हाँ तो आप देख सकते हैं हमारा जल रहा लांठन बना रहे हैं जी हम अपने घेर पे बिल्कुल कुदरत के नेचुरल में। ये हो गया जी गाइस दूसरा फिश फ्राई और गया जी गाइस फिर एक दूसरा। तो आप देख सकते हैं हमारी फिश कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और हमने थोड़ा सा ढाल बना रखा था जो एस्टर ऑयल हैगा वो निकल के आ चुका है साइड पे, इसे हम बाद में यूज़ कर लेंगे। और फिश देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और भी हम फिश फ्राई कर रहे हैं इधर साइड पे। और गाइस देखिए फिश फ्राई करते करते हमारे जो यार दोस्त हैंगे ये खा रहे हैं आधी फिश तो यही खा गए हमारे फ्राई करते करते। देखिए आप कैसे मज़े से खा रहे हैं। तो गाइस हम बनाएंगे इसकी अब करी। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड हमने कर दिया है। तो गाइस हमने लिया है देखिए गाइस 2 लहसुन की गुली हमने चॉप कर रखा है और लिया है जी 300 ग्राम चौकुरे प्याज 200 ग्राम टमाटर। तो इस पर हम गाइस सबसे पहले लहसुन को गिरेंगे। तो तेल हो चुका गाइस गरम हमारा। ये हो गया जैसा गाइस लहसुन हल्का सा हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इस पर हल्का सा फ्राई होने के बाद गिर देंगे गाइस चॉप करे हुए प्याज। कम से कम इसे 2 से 3 मिनट से फ्राई करते रहेंगे। फ्राई होने के बाद टमाटर ऐड कर देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा प्याज हो चुका है फ्राई। तो हम गिर रहे हैं गाइस चॉप करे हुए टमाटर, इसे हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। तो गाइस स्वाद अनुसार हम नमक गिर रहे हैं लगभग
डेढ़ से दो चम्मच, क्यों हम नमक क्यों गिर रहे हैं गाइस, ये जो हमारा टमाटर रहेगा जल्दी गल जाएगा, इसलिए हम नमक ऐड कर दिया पहले ही। तो आप देख गाइस देख सकते हैं दो से तीन मिनट बाद हमारा टमाटर हल्का सा गल चुका है, तो इस पर हम कर देंगे गाइस मसाला ऐड। तो गाइस हम मसाला यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं गरम मसाला है दो से तीन चम्मच, तीन चम्मच हल्दी, धनिया तीन चम्मच, ज़ीरा पाउडर तीन चम्मच, सारा मिक्स जो हम, और दो चम्मच हमारा लाल मिर्च पाउडर इसमें हमने ऐड कर दिया है। इसे हम कम से कम दो से तीन मिनट पकाएंगे और इसमें हल्का सा इसमें हम कर देंगे गाइस पानी ऐड। क्यों हम पानी ऐड क्यों करेंगे, तो हमारा जो सूखा मसाला आएगा इसीलिए हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, नहीं तो हमारा जो तेल में जो सूखा मसाला जल जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे दो से तीन मिनट पकाएंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं दो से तीन मिनट बाद हमारा मसाला का कितना कलर प्यारा आया हुआ है, आप देख सकते हैं भिगोने में और अमचे से भी देख सकते हैं आप कितना प्यारा कलर आया हुआ है। गाइस ट्राई जरूर करना आप। तो गाइस इसमें हम हमारा मसाला हो चुका बिल्कुल फ्राई, इसमें कर देंगे गाइस हम तरी के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर देंगे, आप जिस हिसाब से पानी रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी रखिए, हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और जब तक इसका पानी जो है कच्चापन है पानी का, जब तक इस पर उबाल नहीं आता अच्छी तरह से, तब तक इसे पकाते रहेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो है कुछ समय बाद जो है पानी में उबाल आ चुका है तरी में, करी में मछली की, और देखिए कलर कितना ज़बरदस्त है गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू, बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त। तो गया जी हमारा यो फिश, एक टन टना टन टन गया जी फिश। तो गाइस आप देख सकते हैं फिश हमारा बिल्कुल रेडी, अब इस पर हम स्वाद मतलब जायका लेके बताएंगे कैसा बना हुआ है। तो एक्चुअली गाइस माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा हमारा माइक ख़राब हो चुका था तो इसलिए हम ओवर आवाज़ हमें ऐड करना पड़ा है। देखिए गाइस स्वाद बहुत ही बढ़िया है, ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना ज़रूर। मिलते हैं आपको कोई नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग पे, तब तक बाय बाय।